मैंने जो तुम लोगों के साथ किया उसके बाद मैं खुद की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सो डोंट वरी, मैं तुम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी। वैसे भी इस टीम में और लाहौर की बस में मेरी कोई जगह नहीं है। तुम लोगों का ट्रस्ट जीत के हारने जा रही थी मैं, बस इस गुनाह की माफ़ी मांगने आई हूँ। उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी कि हर कदम पे मैंने तुम लोगों को धोखा दिया है, तुम लोगों से बहुत झूठ बोले हैं, अंडरमाइन किया है, लेकिन आज पहली बार जो कुछ भी कह रही हूँ वो सच्चे दिल से कह रही हूँ। तो अगर एक सेकंड के लिए भी मेरी बात पे ट्रस्ट करने का दिल करे तो प्लीज़ ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ फरी, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी जेलसी में किया। अरे पागल, मैं भी कोई जेलस होने वाली चीज़ हूँ? बिल्कुल हो, यू आर स्पेशल। तुम्हें लगता है कि मैं बड़े घर से आई हूँ, अमीर हूँ, तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स, कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं हो सकती? बचपन से मैंने ऐसे माहौल में सांस लिया है जहाँ मेरा माइंडसेट बना दिया गया था कि मुझसे बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं जो चाहूँगी मुझे मिलेगा, मैं हर खुशी हर जीत डिज़र्व करती हूँ। एंड जस्ट इमेजिन के तुम्हारे सामने एक ऐसा इंसान आके खड़ा हो जाए जिसे तुम कुछ नहीं समझती और वो तुम्हारी अना की आंखों में आंखें डाल के तुम्हें चैलेंज करने लगे, तुम कैसा फील करोगी? मैंने कभी तुम्हें चैलेंज नहीं किया। आई नो फरी, पर ये जो अना है ना, ये किसी की नहीं सुनती, जिसके अंदर होती है ना उसकी भी नहीं सुनती। और इस अना की नज़र में तुम मुझसे हर चीज़ जीत रही थी। आई लव जुनैद, आई रियली लव हिम, पर वो मेरे बारे में क्या सोचता है, क्या चाहता है, इस बारे में तो कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इस अना ने मोहब्बत को भी खुद कर्जी के तराजू में तोड़ डाला यार, कि जैसे अगर वो मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं हो सकता। बट यू नो व्हाट, ही डिजर्व्स बेटर, ही डिजर्व्स यू। 22 कदम, इतवार रात 8 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।